कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा खरीफ समीक्षा बैठक लेकर नागपुर जिले के खरीफ फसलों की समीक्षा की, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आने वाले फसलों की नियोजन के संदर्भ बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा खरीफ फसलों की समीक्षा की गई, जिसमें खरीफ फसलों के नुकसान का मुआवजा और आने वाले फसलों के लिए बनाई गई योजनाओं के संदर्भ में जानकारी आयोजित पत्र परिषद में साझा की गई। नहीं, अभी तक जो है आपने देखा होगा कि कल भी कुछ जगह बारिश गिरी है। हवामान खाते का जो मालूमात हमको जो मिली है, उस मालूमात के हिसाब से अभी और दो दिन तक, एक दिन अभी रहा है, पानी गिर सकता है। और जैसा जैसा पानी गिर रहा, जैसी बारिश हो रही, वैसी बारिश के हिसाब से हमारे पंचनामे अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग किसान का जो पीक है उसके नुकसान अलग अलग है, उसके पूरे पंचनामे तंतोतंत हो जाएंगे। और एक बार ये बारिश का सिलसिला थम गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, इसके ऊपर अंतिम निर्णय हमारे कैबिनेट में होगा। कितना पैसा देना है, कौन से पीक को देना है, उसका आज का केंद्र सरकार का कानून से क्या कितना दिया जाता, राज्य सरकार से उससे बढ़कर कुछ दे सकते क्या, इसके बारे में विचार विनय में होगा। और निश्चित मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई दी जाएंगी। आपने जैसा बताया क्या इसके अंदर बाधित क्षेत्र कितना है, तो बाधित क्षेत्र के बारे में मेरे पास पूरी आंकड़ेवारी है, अलग अलग डिवीजन की है, पूरे राज्य भर की जो मालूमातें हैं उस राज्य भर की मालूमात की मैं कॉपी आपको एक एक दे दूँगा, ताकि इसमें आपका यह बहुत बड़ी मालूमात है, हर एक उसके रकाने पूरे पढ़ने के बाद में आप निश्चित इसके अंदर से। पर राज्य में जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान के अंदर 47 लाख हेक्टर इतने खेती का नुकसान अभी तक जो हमारे पास मालूमात मिली है शुरू से, जून से लेके तो आज तक। और इस नुकसान का टप्पे अलग अलग है। पहली नुकसान हुई वो 8/9/2022 में अतिवृष्टि की हुई, उसके बाद में गूगल गाय की कुछ नुकसान हुई, उसके बाद में 28/9/2022 को अतिवृष्टि अमरावती और पूना डिवीजन में हुई, 2/11/2022 को अतिवृष्टि औरंगाबाद विभाग में हुई, उसके बाद में 13/10/2022 को कंटिन्यू जो पानी गिरता है उससे औरंगाबाद, अमरावती और पूना, ऐसे तीन विभाग में हुई। और 800 का जो अंतिम पानी गिरा है, वो प्रति का पौज बोलते हैं उसको, उससे एक नुकसान की अभी उसकी अंतिम आंकड़ेवारी देने के लिए आयुक्त तो मैंने नीचे आदेश दिया है और जिला अधिकारी उसको तपास के गवर्नमेंट के पास देंगे, उसमें भी होगा। और अभी ये जो गारपीट हुई है इसके नुकसान भरपाई का अभी अंतिम आंकड़ा नहीं आया है। 12,000 करोड़ इस साल के लिए एक 46 लाख हेक्टर के नुकसान दिलेले आहे ना, याच्या मधले वेगवेगळे नुकसान आहे। मी तुम्हाला पहिलेच बोललो का बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पहिली आपण, तर आमच्याकडे जो रिपोर्ट आलेला आहे ते 57,32,315 आहे, आणि यामध्ये वितरित केलेली जी रक्कम आहे टप्प्याटप्प्याने ती कधी 7,151 पहिल्यांदा आपण वाटले, त्यानंतर दुसऱ्यांदा आपली जी नुकसान झालेली आहे त्याची नुकसान भरपाई दे, आता तिसऱ्यांदा जी नुकसान आहे ती आकडेवारी अजून फायनल झालेली नाही आहे। मी तुम्हाला जे बोललो हो, जे आहे शेवटच्या 24/3/2023 57,32,315 शेतकरी बाधित झालेले आहे हेक्टर हो, बाधित शेतकऱ्यांची संख्या। हा, नाही, वो अलग है। देखो, हमने अभी पहली बार अपने देश में, अपने राज्य ने, खरं म्हणजे आपल्या राज्यांनी जो पहिला निर्णय घेतला हा पहिला निर्णय। विखे पाटील पर किए गए वक्तव्य पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बोलते हुए सत्तार बोले कि वह 25 साल से मेरे मित्र हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए और विखे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।